चलो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक लास्ट राउंड में स्टार्ट किया था ना, एक बार जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दोबारा एक बार रिकैप याद दिला दूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग हमने जो दो खास बातें डिस्कस की थी, नंबर वन तो एक आपने डिस्कस किया था कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इसमें मैंने आपसे कहा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आप लेते हुए जाएंगे कई बार, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और साल कब, तो उसमें भी एक शर्त थी और वो शर्त आपने ली थी पासिंग नॉर्मल। तो जो भी आपकी गिवन सरफेस या एरिया हो उसके नॉर्मल जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पास हो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑन द लास्ट राउंड। फर्दर हम लोगों ने एक डायग्राम किया वो था इस टाइप का, मैंने कहा था दैट यू हैव एन एरिया, कोई भी सरफेस एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो आपका कहीं ना कहीं इसके नॉर्मल से थीटा एंगल पर मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपको याद दिला दें जो आपका एरिया वेक्टर होगा, फिर ऐसा याद दिलाओ एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जो भी आपकी सरफेस है आपका वेक्टर कैसा होना चाहिए, जो सरफेस वेक्टर है हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक। और दूसरी सबसे ख़ास बात, अब इस पर हम जो आगे गए थे वो ये था कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से किसी एक एंगल थीटा पर मौजूद हो तो फिर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते थे, एक इन द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिख रहा होगा जो थीटा के साथ जा रहा था ये आपका ई कॉस थीटा था, जो पैरेलल टू द प्लेन था वो आपका ई साइन थीटा था। और इसीलिए एक छोटी सी चीज़, क्योंकि आपने डेफिनेशन लिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मल टू इट, इसलिए हमने इनमें से ये कंपोनेंट कंसीडर किया हुआ था और इस कंपोनेंट को हमने छोड़ दिया था। अगर आप ये कंपोनेंट कंसीडर करते हैं तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स था डी फाई इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा डॉट डी एस, या सिंपल आप कह सकते थे ई डी एस कॉस थीटा। कुछ छोटी छोटी बातें फुर्ती से रिपीट करते हुए, फिर डी फाई इज इक्वल्स टू हमने निकाला था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और इस बेसिस पर भी डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पर भी आपने एक लास्ट न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया था आई कैप के आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, वो आपको याद होगा वो इसी आपके इससे रिलेटेड था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस के फॉर्म से। फर्दर हमने कहा था दो टाइप के आपके फ्लक्स होंगे, एक पॉजिटिव फ्लक्स और एक नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स कौन सा होगा, इफ द फील्ड लाइंस आर मूविंग आउटवर्ड और डाइवर्जिंग आउट। नेगेटिव फ्लक्स कौन सा होगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इनसाइड और टुवार्ड्स ए सरफेस। यूनिट आपको दिखी रही है न्यूटन पर कूलॉम्ब डॉट मीटर स्क्वायर, और इसके लिए नाम दिया हुआ था हमने वेबर। अब एक अगला सवाल, ये मैंने कहा लास्ट टर्न का मैंने हल्का सा डिस्कस किया, बेसिक डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की समझ में आई जाती है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो आपके लिए कहलाएंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चले ये मैं कोई एक पेन लेता हूँ, बालों से रगड़ता हूँ, दिस पेन विल गेट चार्ज, ये पेन आपका अब चार्ज हो चुका है। अगर मैं इस चार्ज पेन को लिया हूँ तो यहाँ से तमाम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, और मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं एक कमरे के अंदर खड़ा हुआ हूँ, इसका लब ध्यान देखें आई एम एनक्लोज्ड बाई अ सरफेस, इस सरफेस में दीवारें हैं, छत है और फ्लोर है, मैं इस कहीं से नक्सी क्लोज सरफेस के अंदर खड़ा हुआ हूँ ये तय है। दूसरा मैंने कहा इस चार्ज से तमाम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, ये भी सही है। तो फिर एक सवाल बनता है, ये जो मेरी एनक्लोजिंग सरफेस है यानी कि कमरा, इस कमरे से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं जब हम इस पर जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, यही आपको मालूम था। ये इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, फ्लक्स। यानी इन शॉर्ट अगर हमसे कहा जाए भैया इस कमरे से लिंक्ड फ्लक्स कितना है, तो यकीन मानिए ये काम ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपके सर के बाल गिनना, इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी इस कमरे की सरफेस से पास ओवर होंगी। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये सिंपल सवाल नहीं है, सिंपल प्रैक्टिस नहीं है कि आपने कहा हम नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6
चार छः इस दीवार से, दो चार उस दीवार से, और टोटल बोले आ गया 32। ये प्रोसेस ऐसी नहीं होगी। मैंने कहा कितनी लाइंस पास हो रही होंगी, जितने आपके सर पे बाल हैं। तो फिर सवाल आता है इसको हम निकालेंगे कैसे। इसको निकालने के लिए आप देखेंगे हमारे पास एक रेडीमेड थ्योरम आती है, और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है 12th बोर्ड पेपर्स के हिसाब से। और ये थ्योरम आती है गॉसेस रूल लॉ, या आपके लिए कहलाती है गॉसेस थ्योरम। तो एक काम करें, एक सिंपल हेडिंग आज की शुरुआत हम करते हैं, और ये आप डाल दीजिएगा गॉसेस थ्योरम। ठीक, डाल दें फुर्ती से हेडिंग गॉसेस थ्योरम। डाल दिया, चल। जैसे आप गॉसेस थ्योरम आप डाल देते हैं हेडिंग, इसमें एक छोटा सा काम करें, इसमें एक लाइन लिख दें, इसमें आप लिख दिएगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज इनसाइड इट। ठीक है, बाकी इन शॉर्ट लिख दिए। एक्चुअल लैंग्वेज के लिए आप, पूरी ग्रामेटिकल लैंग्वेज के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, मैंने कहा शीट्स, और उनमें आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज इनसाइड इट इज 1/ एप्सिलॉन नॉट ऑफ नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, या चलो इनसाइड पे छोड़ दिया। ठीक है, अनमोल सिंह का कहना है मेरा डाउट, ओके अनमोल सिंह का डाउट, दिक्कत ये वेव ऑप्टिक्स के हैं। चलो बैच के बाद तुम्हें अलग से टाइम देते हैं, तुम्हारे दोनों तीनों क्वेश्चन में देख लेता हूँ, अभी फ़ोन भी रिकॉर्डिंग पे है, देख के फिर एक साथ में तुम्हें जवाब दे देता हूँ। ठीक है, चले। तो मैंने कहा एक तो आपने लिख दिया 1/ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज प्रेजेंट्स इनसाइड इट, और इसका मतलब ध्यान देखना एक सिंपल सा हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, और चाहो तो Q में और बेहतर है हम लिख सकते हैं समेशन Q। समेशन Q का मतलब किसी भी सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं उन सब का नेट टोटल, या आप कह सकते हैं इक्वल्स हो जाएगा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक ख़ास बात, एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है तो वो आप बता ही सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट आपको याद है परमिटिविटी होती है, तो नाम नहीं लिख रहा है, केवल वैल्यू याद दिला देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू होती है 8.854 इंटू 10^-12, साथ में आपको मिलेगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारी गॉस थ्योरम के, किसी भी जो सरफेस है, जैसे मैंने कहा था एक कमरा, कमरे के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ में एक चार्ज है, तो इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू, यानी जो चार्ज में लिए हूँ। और अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा मैंने क्यों कहा था सर के बाल गिनने जैसा मामला हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान जा रहा है नीचे अपॉन में 10^-12 है, सीधा करोगे तो 10^12 हो जाएंगे। 10^12 का मतलब ये तुम्हारी जो छोटी मोटी गिनती हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मुझे लग रहा है इनसे कहीं कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ये मैं प्रैक्टिकली भी सही था कि आपको सर के बाल गिनने जैसा काम हो जाना है। एक तो आप गॉस थ्योरम लिख दें मजे से, और मैं बताएं क्या सभी ने गॉस थ्योरम नोट कर दी, हाँ या ना, इन शॉर्ट बताएं फुर्ती से। गॉस थ्योरम का इतना पार्ट नोट हो जाता है, बढ़िया, आ जाए तो फिर आगे हम बढ़ते हैं अगली चीज़ पर। जैसे आपने इतना नोट कर दिया, फिर सवाल बनेगा आखिरकार हम कैसे मान लें कि ऐसा मामला होगा। तो इस मामले को मानने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, मैं मान चलता हूँ आपके पास कोई एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है,
ठीक। और स्फेरिकल सरफेस है मतलब आपकी क्लोज सरफेस है, इसके सेंटर पे मैं एक चार्ज रख देता हूँ और ये चार्ज मैंने रख दिया है बिल्कुल आपको साफ नज़र आए क्यू। जब मैं क्यू चार्ज यहाँ लेता हूँ तो उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ करूँगा और ये एलिमेंट मैंने चूज़ किया ये, ठीक। जब हम इस एलिमेंट को चूज़ करते हैं तो इस स्फेरिकल सरफेस को आपको प्रैक्टिकल इमेजिनेशन हो जाए इसलिए एक छोटा सवाल पूछता हूँ, फुटबॉल देखी है क्या आपने? हाँ ना बताएं, फुटबॉल में इतना ना सोचें देखी है कि नहीं, है ना। हाँ इतना नहीं सोचना कि फुटबॉल पिछली बार हमने कब देखी थी, ये तो मजाक हो जाएगा। फुटबॉल का एग्जांपल इसलिए लिया है, फुटबॉल इंटीग्रेशन का जीवंत एग्जांपल है। पूरी फुटबॉल नंबर वन स्फेरिकल क्लोज सरफेस होती है ये तय है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, पूरी फुटबॉल पे स्मॉल एलिमेंट रेडीमेड होते हैं, काले पीले या वाइट जो भी कलर के आपने ध्यान दियो एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो दो मिनट के लिए मान के चलें ये एक फुटबॉल है, क्लोज सरफेस हो गई, फुटबॉल के सेंटर पे आपका चार्ज रखा हुआ है, और अगर चार्ज रखा है तो ये मैंने एक इसका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया येलो कलर का। जैसे ही मैं स्मॉल एलिमेंट का सोचूंगा क्या आपका ध्यान जाता है, इस स्मॉल एलिमेंट का जो आपका वेक्टर एरिया होगा, एरिया वेक्टर कहाँ होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अगर एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो आप ध्यान से देखें क्या आपको ऐसा नज़र आता है, दो बातें। नंबर वन, पहले तो ये जो आपकी चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी इस एरिया से आर पार पर रेडियल। और एक मज़ेदार बात जो मैं कह रहा था कि आप देखें इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया भी कहाँ जाएगा, सरफेस एरिया भी हम यहीं बना देते हैं और ये हमने बना दिया। आप दोनों वेक्टर ध्यान से देखें, इसलिए उन्हें कलर अलग अलग कर लिए ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आए। देखें फुटबॉल का एक स्मॉल एलिमेंट नज़र आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज की अवे फ्रॉम दी चार्ज, ये गई रेडियल। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहीं से आपका जो एरिया और वेक्टर है वो भी कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट। तो एक छोटा सा काम करें, फिगर बना दें और रेडियस लिख देता हूँ। चलो रेडियस हम मान लेते हैं कितनी है, रेडियस आप मान लीजिएगा आर। छोटा सा फिगर बनाएं, बस तुरंत हमारा प्रूफ दो मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा कर दिया ताकि आप बिल्कुल साफ तौर पर बना सकें। जैसे ही आप बना लेंगे इसको मैं वापस छोटा कर दूंगा, ठीक है। ड्रॉ कर लें आप तो मुझे बताइएगा एक सेकंड में। हो गया, बढ़िया आए। अब हम बात करते हैं अगली बात के लिए। चलो एक लाइन की लैंग्वेज ले लेते हैं। आप बताते हैं चार्ज Q इज एट सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल क्लोज सरफेस। क्या मैंने मान लिया चार्ज Q आपका कहाँ पर है, एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल क्लोज सरफेस। दिखा दें एक लाइन में, चार्ज Q इज एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल क्लोज सरफेस। और बढ़ेंगे, देन फ्लक्स लिंक विद अ स्मॉल एलिमेंट, आपके एक स्मॉल एलिमेंट से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा। तो आपको मालूम है स्मॉल एलिमेंट से लिंक्ड फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल्स टू वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस। और सबसे ख़ास बात, जैसे ही आप इस फिगर पे निगाह डालेंगे, जो मैंने कहा था फिगर बनाएं, क्या आपको दिख रहा है डी एस और वैक्टर ई दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों पैरेलल हैं, और इसलिए हमारा आएगा कॉस ज़ीरो, यानी कि हम एक ही लाइन में इस रिज़ल्ट तक पहुँच जाएंगे। पहले इस रिजल्ट तक पहुंच जाए, डी फाई इज इक्वल्स टू वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस जीरो, और इज इक्वल्स टू कितना हो गया ई डी एस।
ठीक, पहुँचे मजे से, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू डी एस। अब टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स भी आपको निकालना है। टोटल फ्लक्स होगा, ये भी हम कल लिख चुके हैं, सुपरफिशियल इंटीग्रल ई डी एस होगा। इसी ई डी एस का हम इंटीग्रेशन कर देंगे सुपरफिशियल। अब एक मज़ेदार बात देखें, जो मैंने आपसे कहा था पिछला पढ़ते रहिएगा कि आपको ध्यान है ये एक पॉइंट चार्ज है, और अगर ये एक पॉइंट चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मालूम है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को तुरंत याद आना चाहिए, ये होता था 1/4π ε₀ क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने डाइपोल के डेरिवेशंस के टाइम में भी लिया है, न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं। तो अगली बार आप कह सकते हैं, ध्यान से देखें, 1/4π ε₀ क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। डॉट डी एस आपके पास मौजूद ही है। चलें और एक आध स्टेप में बड़े आराम से सॉल्व करता हूँ, पहले यहाँ तक आप आ जाएं, बढ़ जाएं यहाँ तक मज़े से, बढ़ गए, बढ़िया। अब देखें ज़रा, आपको नजर आएगा 1/4π ε₀ आपके कांस्टेंट हैं, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा केवल और केवल डी एस का। आपको याद होगा इंटीग्रेशन डी एक्स होता था एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एस। और जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे वैसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, क्या किसी को ये याद है इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, ज़रा याद करके बताएं। 4πr² आप बिल्कुल सही है, बढ़िया। तो इस वाला हमारा काम हो गया, क्योंकि अगर हम बगल में ये लिख देते हैं s बराबर, हमें मालूम था 4πr² है। तो देखें ध्यान से, आई हैव प्रूव्ड द गॉस थ्योरम, बिल्कुल सही जवाब है आपके। ये 1/4π ε₀, ये क्यू बाई आर स्क्वायर इन टू 4πr², और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा भी करना चाहिए, पर चलो कर देते हैं, है ना, कुछ एंटरटेनमेंट भी होता रहना चाहिए। देख लें आपका क्या बच के आएगा। अगला स्टेप जो आपका बचेगा वो सीधी सीधी गॉस थ्योरम है, यानी अगली बार आप क्या कह देंगे, और यही हमारी थ्योरम थी कि इनसाइड चार्ज की वजह से आपका फ्लक्स कितना होगा, ये फ्लक्स होगा आपका क्यू अपॉन ε₀, और ε₀ की वैल्यू अब बिल्कुल याद रखिएगा 8.854 × 10−12। मज़े से बचा हुआ पार्ट सॉल्व कर दें, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग जो आपसे कहता है स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ, स्टेटमेंट ऊपर था, प्रूफ है आपका 3-4 लाइन का, ये मौजूद हो गया, डायग्राम रहेगा हमेशा। अब क्या आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ऐसा चेक करें, देख लें आराम से, साइड में हूँ, कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताइएगा। ठीक, जब ये थ्योरम आप लिख देते हैं तो इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, थ्योरम यहाँ पर एंड मत कीजिएगा, इस थ्योरम के बाद इसमें एक छोटी सी दो लाइनें और डालिएगा, और वो दो लाइनें डाली जाती हैं खास कंडीशन के लिए। ये हर क्वेश्चन में याद रखेंगे, जो आपकी कंडीशंस हैं उनको बहुत ध्यान से देखना, और पर्टिकुलर अगर एग्ज़ाम में आपको मिलता है टाइम तो कंडीशन भी साथ में आप लिख के आया कीजिए। आप जो थ्योरम पढ़ रहे थे, मैं उस थ्योरम को दोबारा दिखा देता हूँ। ये कह रहा था थ्योरम आपसे कही गई थी, ये थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक द क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज, और कौन सा चार्ज, चार्ज आपने लिखा था इनसाइड इट। थ्योरम ध्यान से देखो, थ्योरम में एक छोटी सी कमी छूट रही है, फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट इज दैट मच, वो मालूम है क्यू आई एप्सिलॉन नॉट हम प्रूव कर चुके। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है ना, इनसाइड चार्ज है तो ये फ्लक्स हो गया,
अगर आउटसाइड होता तो क्या होता? तो डेफिनेटली दैट्स वाई वी हैव टू गो फॉर अ कंडीशन, और एक कंडीशन आपकी इसीलिए है, कंडीशन में लिख दीजिएगा इफ द चार्ज इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, पूछेगा गॉसियन सरफेस क्या है। गॉसियन सरफेस का मतलब समझ में आ रहा होगा, क्लोज सरफेस जिस पे आप गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गॉसियन वैसे ही शब्द है जैसे इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, तो ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस ऑन विच द गॉसेस थ्योरम कैन बी अप्लाइड। सवाल ये है कि अगर आपका चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है तो क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत साधारण सा काम करते हैं, ध्यान देखें, एक सिंपल सी कैसी भी एक क्लोज सरफेस बना देता हूँ, कुछ तो भी क्लोज है बस, खत्म, कोई ज़रूरी नहीं स्फेरिकली हो, अंडाकार हो सकती है, क्यूब हो सकती है। और अब की बार हम मान के चलते हैं अगेन आई हैव अ चार्ज, क्या आपका ध्यान जाता है इस चार्ज से जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस टाइप से चलती हुई जाएंगी, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से आपकी चलती हुई जा रही है तो फिर अब एक बार इन दोनों पार्ट्स को देखें, आपको नजर आएगा लाइंस इस सेक्शन से कहीं ना कहीं धंसेंगी और इस सेक्शन से कहीं आपकी बाहर आ जाएंगी। जब ये लाइंस बाहर आ रही हैं तो फिर एक अगला सवाल बनेगा, यहाँ मान के चलते हैं ये आपकी सरफेस है DS1 और ये सरफेस मान मान ली ये है आपकी सरफेस नंबर DS2। क्या आपको ऐसा नज़र आता है जितनी लाइंस आपकी यहाँ से एंटर करेंगी एग्जैक्टली उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस आपकी DS2 से बाहर आएंगी? इसका मतलब जितना फ्लक्स आपका यहाँ पर होगा, जो भी होगा 10, 20, 50, जो भी नंबर ऑफ लाइंस हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी यहाँ भी मौजूद होंगी। पहली बात तो ये समझ में आए, जो मैं स्टेटमेंट लिखूँगा अभी, द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग फ्रॉम DS1 विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन्स इमर्जिंग फ्रॉम द DS2। दोनों साइड के नंबर ऑफ लाइन्स यानी फ्लक्स बराबर होंगे। और एक सबसे ख़ास बात, क्या आपको याद है जब लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ आती हैं, इनवर्ड आती हैं, तो ये फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जब आउटवर्ड होती हैं, बाहर जा रही होती हैं, दीज आर मूविंग अवे, देन द फ्लक्स इज पॉजिटिव। तो मेरी बात ध्यान से देखो, जितनी लाइन सेंटर उतनी ही एग्जिट, जितना फ्लक्स नेगेटिव उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव, तो टोटल तो वैसे ही नज़र आ रहा होगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए केवल एक फिगर बनाओ, दो लाइन में बोल दूंगा, उसको आप लिख दीजिएगा, मज़े से आप एक फिगर बना दें फुर्ती से, एक क्लोज सरफेस, दोनों दो उसके पार्ट DS1 और DS2, ठीक, और उनके साथ साथ आप दिखा देंगे दोनों साइड के फ्लक्स, एक तरफ का -d∅ और दूसरी तरफ का +d∅ दिखा दें। चलो हो गया सभी का। यस सर। ठीक, बना दिया, बढ़िया। बस जो मैं बता रहा था उसी को अपने लिखना है, आराम से लिख दें। यहाँ पे आप बताइएगा, ये तो लिख ही दिया था चार्ज इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, इसमें आप बता दीजिएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आराम से लिख दें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग फ्रॉम DS1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग फ्रॉम DS1 will be just equal to those, entering from DS1 will be just equal to those
emerging from ds2 will be just equal to those emerging from ds2. जितनी ds1 से एंटर है उतनी ही बाहर है और चलेगा. दस द फ्लक्स लिंक्ड विद दस द फ्लक्स लिंक्ड विद द टू सेक्शंस दस द फ्लक्स लिंक्ड विद द टू सेक्शंस विल बी माइनस डी फाई एंड प्लस डी फाई. लिंक्ड विद द टू सेक्शंस विल बी माइनस डी फाई एंड प्लस डी फाई रिस्पेक्टिवली. और लास्ट लाइन आप डायरेक्टली बता दें नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो. और इस पर बॉक्स बना दीजिएगा, ये याद रखिएगा आउटसाइड कंडीशन में आपका नेट फ्लक्स कितना आएगा, ज़ीरो. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है. अब इसके मैं कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से इधर देखिएगा. लास्ट टर्न में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आसपास ही थे, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, अब इनके बाद हम बढ़ते हैं. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका गॉसेज लो जो बता रहा है फाई इलेक्ट्रिक, ई स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ऐसे आप आगे पढ़ेंगे तो फाई एम लिख दिया करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, बट वो बाद का टॉपिक होगा, अभी फाई से काम चला लेते हैं. वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस कितना होना चाहिए, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और आगे बढ़ोगे, आगे की तरफ जाते हैं और आगे की तरफ आप जाएंगे तो ये आपका रहेगा चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड दी सरफेस. तो आपको दिख रहा होगा यही फिगर आपने बनाया है, आपकी शीट में भी यही मौजूद है, माइनस डी फाइव प्लस डी फाइव. और टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, टोटल फ्लक्स आ रहा है आपका ज़ीरो. देन इस बाद हम और आगे बढ़ते हैं. गॉसियन सरफेस वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था गॉसियन सरफेस आप किसे कहेंगे, कैसी क्लोज सरफेस जिस पर आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. बढ़िया, आप पढ़ सकते हैं क्लोज सरफेस दैट एनक्लोजेस दी सरफेस चार्जेस, जो सरफेस चार्ज को इनक्लोज करती है इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस. क्या ये समझ में आता है, बढ़िया. और एक ख़ास बात, अब कुछ छोटे छोटे एग्जांपल यहाँ पर समझाते हैं जो आपके शीट में मौजूद हैं, इनको हम लिखेंगे नहीं, इनको आपको केवल बड़े मज़े से एक बार समझना है. ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से अदर जगहों के क्वेश्चन हैं. एक्चुअली एक सवाल आता है ज़ीरो फ्लक्स की कंडीशन कौन सी होगी, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो सकता है. इनमें से एक कंडीशन मैंने आपको बता के रखी हुई है कि अगर चार्ज आपका आउटसाइड द क्लोज सरफेस हो तो आपका फ्लक्स ज़ीरो हो रहा था. ज़रा एक और देखें, इस फिगर पे निगाह डालें, इस फिगर पे जब आप निगाह डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस केस में आपकी ये जो सरफेस है ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है. जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो ध्यान से देखें, हमारी जो गॉस थ्योरम थी वो आपसे क्या कहती हुई जाती थी, गॉस थ्योरम आपसे कहती थी फाई इज इक्वल्स टू होता है नेट चार्ज समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्या आपको नजर आ रहा है नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस ज़ीरो है, और नेट चार्ज ज़ीरो है मतलब इस केस का जो आपके सामने केस है इसमें आप बिना सोचे समझे बता देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो. वैसे भी आप सोच सकते हैं जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाएंगी उतनी ही लाइन ऑफ फोर्स इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर आएंगी, तो भी आप कह सकते हैं टोटल फ्लक्स ज़ीरो होगा. अब ज़रा देखें एक दूसरा क्वेश्चन, और मैंने कहा ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनमें आपको कहीं भी कुछ लिखना नहीं है, इनको आपको बहुत ध्यान से समझते हुए जाना है केवल. ज़रा सेकेंड कंडीशन ध्यान से देखें, सेकेंड कंडीशन आपसे कहती है अगेन यू हैव अ क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस के साथ आप ध्यान देखें क्या आपको नजर आ रहा है, ये एक प्लस क्यू है, ये आपका प्लस फोर क्यू है और ये आपका माइनस फाइव क्यू है. जो काम हम डाइपोल में कह रहे थे वही काम यहाँ पर फिर हो गया है, समेशन क्यू टोटल चार्ज या नेट चार्ज आपका कितना हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है. और अगर नेट चार्ज आपका ज़ीरो हुआ तो फिर आपका यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो. इन केसेस का ध्यान रखेंगे, इस केस में भी आपका फ्लक्स ज़ीरो है. आए एक और बात करते हैं, अब की बार बताता है इफ़ ए क्लोज बॉडी, और कौन सी बॉडी जो नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज, जबकि चार्ज बॉडी के अंदर नहीं है. जो अभी मैंने गॉस थ्योरम में कंडीशन ली थी चार्ज कहाँ हो, बाहर. अब ऐसी कंडीशन में क्या कह रहा है, इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये आपकी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस की जाती है, तो टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। ध्यान से देखें, मैं इस फिगर पर जाता हूँ। अभी फ़िलहाल आपको सिलेंडर साफ नज़र आ रहा है। इस सिलेंडर को मैं मान चलता हूँ ये आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सिंपल देखें, दोनों तीनों चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें, जो हम पिछली बार ले रहे थे, क्या इस सिलेंडर के दोनों फेस आपको नज़र आ रहे हैं? जब इन दोनों फेसेस की हम चर्चा करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर करेगा सिमिलर फ्लक्स यहाँ से आउटवर्ड्स भी होगा, और जितना फ्लक्स इनवर्ड होगा उतना ही आउटवर्ड होगा। तो आपको मालूम है इनवर्ड फ्लक्स कैसा होगा, जबकि यहाँ पर आउटवर्ड फ्लक्स कैसा होगा, यानी नेट फ्लक्स आपका हो गया फिर एक बार ज़ीरो। कोई अगर ये जानना चाहे नेट फ्लक्स होगा कितना, तो वो भी बता देते हैं कि आपको ध्यान है फ्लक्स होता है ई इंटू एस। ध्यान देखो, यहाँ पर होगा ई इंटू ये एरिया, इसका एरिया आपको मालूम ही है, सर्कल का एरिया कितना होता है, और ऐसे यहाँ पर आउटवर्ड या पॉजिटिव फ्लक्स भी कितना होगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये मैंने इसलिए बता दिया, जैसे यहाँ लिखा है प्लस पाई आर स्क्वायर ही, तो वो भी आपको समझ में आ जाए। नहीं तो वैसे ही दिखता है, जितनी लाइन सेंटर कर रही हैं उतनी ही एग्जिट हैं, यानी यहाँ पर टोटल फ्लक्स आपका कितना होगा, ज़ीरो। अब ये ध्यान रखिएगा, ये केस केवल सिलेंडर के साथ ही सही नहीं है, स्फीयर रख दोगे तो भी, क्यूब रख दोगे तो भी, क्यूब रख दोगे तो भी, जितना फ्लक्स एक फेस से एंटर करेगा दूसरे से उतना ही एग्जिट होगा, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स ज़ीरो आना चाहिए। ऐसे ही ध्यान देखें कि स्फीयर रख के दिखा दिया है, जितना फ्लक्स आपको दिखेगा यहाँ से एंटर करेगा उतना ही यहाँ से एग्जिट करेगा। देखें चेक करके, जितना यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ से एग्जिट है, जितना यहाँ से एंटर्ड है उतना ही यहाँ से। तो यहाँ भी आपका टोटल फ्लक्स कितना आना चाहिए, यहाँ भी आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा ज़ीरो। तो ये क्लियर हो जाते हैं केसेस। क्यूब वाले केस की बात कर रहे थे, क्यूब वाला केस एक आपने रखा हुआ है, फिर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, और ये मान चलता हूँ लेट इट बी इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर ही। क्या होगा, आपने ध्यान दिया है जितना फ्लक्स या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी इस फेस से एंटर करेंगी एग्जैक्टली उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या उतना ही फ्लक्स इस फेस से आपका एग्जिट करेगा। एक सिरे पर जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा दूसरे सिरे पर आपका उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स होगा, यानी ये केस भी आपको क्या बताएगा, फाइ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब कोई डाउट हो तो मुझे पूछें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो एक मिनट में पूछ लें, इनमें से किसी भी फिगर में हो तो मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा। बताएं, कोई डाउट किसी को हो तो बता दें। माइक माइक अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई शंका हो। मैंने कहा था जितनी लाइन्स आपकी एक सिरे से एंटर कर रही होंगी दूसरे सिरे से आप देखेंगे उतनी ही लाइन्स एग्जिट कर रही होंगी, जितना आपका यहाँ नेगेटिव फाई होगा इनवर्ड फ्लक्स उतना ही यहाँ आउटवर्ड फ्लक्स होगा, और इसलिए मैंने कहा टोटल कितना होगा, ज़ीरो। चाहे क्यूब का केस हो, चाहे मैंने कहा सिलेंडर हो या कोई स्फीयर हो, सभी में आपकी कहानी एक ही है, केवल शक्लें बदल बदल के दिखा दी गई हैं। बढ़िया, अब अगली चीज़ फ्लक्स इमरजेंस, इस पर और जाते हैं। कितने मिनट बाकी हैं इसमें? बढ़िया, अभी अपने पास इस मीटिंग में 2 मिनट हैं, इस टॉपिक को और लेते हैं। फ्लक्स इमरजेंस कभी कैलकुलेट करना हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कुछ मत करना, 10th क्लास लगेगी। फ्लक्स इमरजेंस के लिए सिर्फ एक चीज़ लगेगी, फ्लक्स बराबर कितना होता है, जो हमने पढ़ा था इंटीग्रल EDS। इंटीग्रल EDS चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो। इंटीग्रल EDS का मतलब दिख रहा होगा E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटीग्रल DS यानी टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया देखिएगा, ये हमेशा याद रखेंगे। जैसे फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी बॉडी का जो आपका फ्लक्स होता है
ये उस बॉडी की शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड इट, और चार्ज कहाँ पर है इससे भी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ छोटी चीज़, देखें ये मैंने एक चार्ज रखा हुआ है। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगा तो आप इसका सही जवाब मुझे बताइएगा। ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर तीन चीज़ें रखता हूँ। सबसे पहले मैं इस चार्ज के चारों तरफ एक छोटा गोला रखता हूँ, फिर मैं एक बड़ा गोला रखता हूँ, और इसके बाद मैं एक क्यूब रखता हूँ। ठीक है, क्यूब में ये मत कहना पूरा क्यूब बनाओ, इतने समझ में आ रहा होगा आगे पीछे जाके क्यूब हो गया है। आप बता सकते हैं ये मेरी सरफेस वन है, ये मेरा सरफेस टू है, और ये मेरा सरफेस थ्री है। ज़रा बताएं चार्ज इनके अंदर रखा गया है, किस सरफेस से सबसे ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा और किस सरफेस से सबसे कम। सबसे इक्वल निकलेगा, गौतम की बात बिल्कुल सही है। कारण ये भैया कि यहाँ से जब लाइंस निकलेंगी, और चलो निकालते हैं ये रही लाइंस, जब लाइन निकलेगी तो अगर एक से निकलेगी तो सबसे निकलेगी, देख लो गिन लो। अगर इससे चार है तो इससे भी चार होंगी, इससे पाँच होंगी तो उससे भी पाँच हो जाएंगी, और अगले से भी छः हो जाएंगी। तो अगर होंगी तो सबसे एक आएंगी, इससे तो समझ में आएगा। रेडियस कम ज़्यादा करने से, किसी ने कहा बड़े गोले के अंदर रखा था छोटे गोले के अंदर रख दूँ, छोटे के अंदर रखा था बड़े गोले के अंदर रख दूँ। ठीक, मीटिंग चेंज करते हैं। गौतम जो कह रहा था, मैंने कहा जितनी लाइन ऑफ फोर्स इससे जाएंगी उतनी इससे और उतनी इससे, इसलिए आपको पहली बात तो समझ में आएगा साइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। साइज़ अगर आप कम ज़्यादा करते हैं तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और ध्यान देखें शेप का असर नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज़ एक लिखी थी पोजीशन, पोजीशन इसलिए क्योंकि मान चलो ये चार्ज पहला गोला ले लेता हूँ, इस गोले के बीच में रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, फील्ड लाइन सेम जाएंगी। इसलिए मैंने कहा आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि जब भी आपका फ्लक्स किसी क्लोज बॉडी के अंदर से जाएगा तो शेप और साइज से कैसा होता है इंडिपेंडेंट। मैंने कहा याद रखना, अभी क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, और छोटी मोटी जगहों की नहीं, बड़ी बड़ी जगहों में पूछूंगा, कोई चिंता नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल लिया है, हेमी स्फेरिकल बॉडी, हेमी स्फीयर से वाकिफ है, आधा गोला इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर इससे फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा। ध्यान से देखो, अगर कोई हेमी स्फेरिकल बॉडी है और इससे फ्लक्स जा रहा है, क्या आपका ध्यान जाता है, जो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, आपको दिखे साफ साफ, है ना, दिख रहा है आप तो क्लियर कट सभी को, बढ़िया। जो आपका फ्लक्स जा रहा है, क्या आपकी निगाह ऐसी जा रही है, ये लाइंस इससे, ठीक है ना, इस टाइप से जा रही होंगी। चलो बीच की दो चार बना देता हूँ, बहुत है। और जब लाइन जा रही है तो अपना कितना होता है ई डी एस, और मैंने कहा था इंटीग्रल ई बोलें तो ई, और सवाल आता है सरफेस एरिया। अब जब आप सरफेस एरिया की बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखें, अगर इधर का सरफेस एरिया आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जितनी लाइंस इस एरिया से जा रही होंगी उतनी ही लाइंस इस सरफेस से भी जाएंगी। अब आप पूछेंगे मैंने इस सरफेस को क्यों नहीं लिया, इस सरफेस को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मेरी डेफिनेशन थी नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस में तुम्हें नज़र आएगा, अगर ऊपर वाली सरफेस लोगे इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, या तो सबके एंगल के अकॉर्डिंग ई डी एस कॉस थीटा कैलकुलेट करो, वो संभव नहीं है। तो बेहतर है थोड़ा सा शॉर्टकट मारो, तुम्हें मालूम है ये लाइन्स अल्टीमेट तो यहीं से घुसी हैं ना। और एक मज़ेदार बात, इसके तो सब नॉर्मल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस कितनी हो जाएगी, ई इंटू डी एस। सर्कल का एरिया आपको मालूम है, बगल में लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, उसमें कोई समस्या नहीं, तो ये क्लियर हो जाते हैं। ऐसी आप देखना, अगर ऐसी फील्ड दी हो, जो कैसी फील्ड है, ध्यान देखो ये फील्ड आपको दिख रही होगी, ये हर पॉइंट पर नॉर्मल है, देखें और ये फील्ड नज़र आएगी। अगर पिछले दिनों का हल्का सा याद हो,
तो ये फील्ड होती है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, शायद कल ही आपको पढ़ा रहे थे याद आती हैं, पॉइंट चार्ज की, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी कैसी थी, रेडियल। और आपको याद आएगा रेडियस और आपका सर्कल या स्फीयर, ये हमेशा आपस में कैसे होते हैं, ये हमेशा होते हैं नॉर्मल, कहीं भी देख लें ये रेडियस और ये स्फीयर हमेशा आपस में कैसे होंगे, नॉर्मल। इस केस में जब आपकी लाइंस सीधी थी तो मैंने कहा था यहाँ अलग 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 एंगल्स फॉर्म हो रहे थे, तो मैंने यहाँ शॉर्टकट मार दिया था। इस केस में आप देखना, इसमें ये झंझट नहीं है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल हैं। फिर वही फाई बराबर ई एस। अब एक दिक्कत, सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का 4πr², तो आधे स्फीयर का आधा, और आधा बोलें तो और साथ में, अब आपको ये समझ में आ जाने चाहिए। अब कोई डाउट हो तो फुर्ती से पूछें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट हो तो बताएं। चलो एक बहुत फेमस क्वेश्चन पे जाएंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लें। कहीं कोई समस्या है किसी को? नहीं, ठीक, ओके आए। अब एक बहुत खास सवाल करते हैं। हाँ, ये जो मैं आपसे करता हूँ, जब आप नोट्स बना रहे हैं, और ये मैं मान के चलूँगा कि आप नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं, ये अपने नोट्स में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि वो लिखाने का कोई मतलब नहीं, फिगर बना के हल्का सा बगल में बस इतना दिखा दिया था फ्लक्स कितना था। अब ऐसे ही ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बात करेंगे, क्यूब का। क्यूब की बात करने से पहले ध्यान से देखें इधर, मैं पहले फिगर बना के आपको दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे इसके आगे। सपोज करें आपके पास कोई एक क्यूब है, अब स्फीयर नहीं, हमने क्या लिया हुआ है, क्यूब, और क्यूब की अगर कल्पना करनी है तो अपने कमरे को देख लें। जैसे आप कमरा देखेंगे, कुछ छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ कि आपको ध्यान है इस कमरे में टोटल फेस कितने हैं, कोई मुझे बताएगा फेसेस कितने होते हैं किसी भी क्यूब में? छह फेस होते हैं, आप सही कह रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे, छत और फ्लोर मिला के छह फेस होते हैं। अगली चीज़ पूछता हूँ, अपने कमरे को ध्यान से देखें, आपके कमरे में कितने कोने हैं? ये वही कोने हैं जिनमें मच्छर पाए जाते हैं, तो देखें जरा कितने कोने हैं। आठ कोने, चार कोने आपको ऊपर दिखेंगे, दो इधर दो उधर, और चार एग्जैक्ट कोने आपको नीचे नजर आएंगे, यानी आठ कोने होते हैं। बढ़िया, और एक चीज़ देखें, कितनी एजेस हैं, किनारे, कोने और किनारे में अंतर तो मालूम, किनार ये कहलाती है, सही कह रहे हैं 12। चार खड़े में होंगे, जो चार दीवारें हैं, अपन इस दीवार पे खड़े हैं, दीवार तो नजर आ रही है, दो ये किनारे हो गए जिन पे मैं हाथ फिरा रहा हूँ, दो उधर हो गए, ऐसे आप देखेगा जो चार वाई एक्सिस में, चार एक्स पे होंगे और चार जेड पे होंगे, यानी टोटल एजेस कितनी होंगी, 12। बढ़िया, अगर हमें ये सामान्य ज्ञान मालूम है तो आ जाए, हम चलते हैं, मान के चलें इस क्यूब के अंदर मैं रख देता हूँ कोई एक चार्ज, और ये मैंने रख दिया क्यूब के अंदर चार्ज, रखो चलो पीला चार्ज रखते हैं। जैसे आप चार्ज रखेंगे, इससे हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्या आपका ध्यान जा रहा है, दिस चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस। अपने आप को चार्ज मान लें, आप कमरे के अंदर बैठे हैं, मतलब आप एक क्यूबिकल क्लोज सरफेस के अंदर हैं। सबसे पहला सवाल, जो पहली चीज़ बनेगी वो बनेगा टोटल फ्लक्स कितना होगा। टोटल फ्लक्स जो आपकी दीवारों, छतों, फ्लोर सबसे कुल मिला के जा रहा है, क्योंकि चार्ज जो मैं करता हर डायरेक्शन में, हर दिशा में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बिखेरेगा। तो ध्यान देखना, टोटल फ्लक्स के लिए तुम्हारे पास बहुत सिंपल जवाब है, और वो है नहीं आया याद, ये तो गॉस थ्योरम ही थी भैया, गॉस थ्योरम ही नहीं कहती थी, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस।
वो कोई कहेगा ये आपने स्फेरिकल के लिए प्रूव किया था तो क्यूबिकल हो गई। तो अभी मैं जो पिछला क्वेश्चन कर रहा था तो भूल गए, मैंने कहा था सरफेस की शेप का फर्क नहीं पड़ता, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस, अगर ये सरफेस क्लोज है और क्यूब क्लोज ही होता है ऐसा क्या सोच रहे हो, तो आपका फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसलिए ध्यान देखना, तीन चीज़ें और लेते हैं, इसलिए आदमी पूछेगा किसी भी एक फेस से कितना फ्लक्स होगा, तो किसी भी एक फेस से कितना होगा इसलिए मैं पूछा था, कितने फेस हैं, छः, छः फेस से मिला के कितना फ्लक्स जा रहा है, छः फेस से इतना ही जा रहा है ना, छः ही फेस हैं, एक से कितना जाएगा। क्या ये समझ में आता है, हाँ या ना बताएं। छः फेसेस से मैंने कहा था इतना जा रहा था, तो एक से कितना जाएगा, 1/6 ऑफ दैट। अब ज़रा एक और देखें, और नहीं समझ में आए तो बिल्कुल माइक खोल के पूछिएगा। अगर आप कॉर्नर पे आएंगे तो क्या आपने ध्यान दिया है, अपने पास कितने कॉर्नर थे, आठ, आठ कॉर्नर से कितना फ्लक्स जा रहा है, एक से कितना जाएगा। और आखिरी एक सवाल, अगर आप एज का फ्लक्स देखेंगे फिर वहीं जाऊंगा, टोटल एजेस कितनी है, 12, 12 एजेस से फ्लक्स जा रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल ये रहा, एक एज से कितना जाएगा। तो देखें क्या ये चारों फ्लक्स आपको समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना, या कोई समस्या, देख लें मजे से, कोई डाउट हो तो मुझे पूछें। बताएं इस पूरी कहानी में कहीं से कहीं तक कोई पेंच नजर आए तो आप माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। सर, फेस और कॉर्नर का फ्लक्स सेम कैसे हो रहा है? फेस और कॉर्नर का फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है, मतलब नहीं सेम, मतलब आपने कहा फेस का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल, मतलब हाँ 6 फेजेस है उनका हाँ फ्लक्स, और कॉर्नर का भी एप्सिलॉन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, 1/8 है ना, नहीं तो सारे कॉर्नर्स सारे कॉर्नर्स का तो ये तुमने लिखा है, सारे कॉर्नर्स का तो ये रहा, ए सारों का तो ये रहा ना टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स तो हमने गॉस थ्योरम से निकाल लिया था, ये तो हमने कहाँ से निकाल लिया, गॉस थ्योरम से। भैया टोटल कितना होगा, तो टोटल कंफर्म है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये वैल्यू जो भी आ रही हो, मान चलो ये वैल्यू आ रही हो सपोज करो 100 100 वेबर, तो मैंने कहा टोटल फ्लक्स कितना हुआ पूरे क्यूब से, पूरे कमरे से फ्लक्स कितना हुआ, 100 वेबर, जो यहाँ पर लिखा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक फेस से कितना होगा, तो जो 100 वेबर है ये तो 6 फेसों का टोटल है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ऑल द 6 फेसेस का टोटल कितना है, 100 वेबर, वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फेस का कितना होगा, डिवाइड बाई 6। अब आप कहेंगे एक कॉर्नर का कितना होगा, तो अपने पास कितने कोने हैं, आठ, आठों कोनों का टोटल कितना था, ऑल दी 8 कॉर्नर्स का टोटल 100 था, क्योंकि मैंने इस केस में 100 मान लिया था एक नंबर के तौर पे, मान के चलो ये 100 है, अगर आठों कोने का टोटल 100 है तो एक कॉर्नर कितना होगा, 100/8। एजेस इसलिए पूछी थी कितनी होती हैं, तो आपने कहा था एज होती हैं 12, सारी एजेस से कुल मिला के कितना जा रहा है, सारी एजेस से कुल मिला के जा रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या जैसे इस केस में मैंने वैल्यू ले ली माने चले 100, एक एज पे कितना होगा, एक पे एक से जो जा रहा होगा वो डिवाइड बाई 12 होगा, भाई 12 एज है, 12 से इतना है तो एक से कितना लोगे, 1/12। अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, है ना, इसलिए तो नंबर पूछे थे, फेस कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं, एजेस कितने हैं। अब जो मैं कह रहा था एक छोटा सा काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा बेटा, कि जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आराम से फिगर बना के ये चीज़ आपकी शीट में ही लिखी है, 5 टोटल इतना होगा, फेस 1/6 होगा, कॉर्नर 1/8 होगा, और एजेस 1/12 होंगे, तो ये मैंने दिखा दिए, तो मैंने कहा ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनको आप आराम से एक बार मज़े से अपनी शीट में अपनी कॉपी में नोट कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको कुछ खास केसेस और दिखाते हैं, कि वो सारे केसेस ऐसे हैं जो चर्चा के लायक हैं,
इनको लिख के या इनको तुम सोचो रट के कुछ होना है तो नहीं होना, इनको तो अपने को चर्चा में लेना है या अपने को समझ में आ जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अपने यहाँ, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे एक कह रहा है, मान के चलें ये वाला, इसको ज़रा देखें, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखो, इस फिगर में एक ख़ास बात है, साइड मत पढ़ना, फिगर देखना, अगर अक्सर लोग आप पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं, इधर क्या लिखा है मैंने उसको छोड़ो। अपने पास एक क्यूब है, आप में किसी ने लूडो खेला है? अच्छा, लूडो वो मोबाइल वाला लूडो नहीं, लूडो जो कागज़ पे, हाँ असली वाला जो उस पर बन के आता था, कागज़ पे बन के आता था, पाँच से अपन ऐसे, कोई कहा हाँ साल मैं तो लूडो सुबह शाम दो बार खेलता हूँ तो उसका नहीं माना जाएगा। वो जो लूडो खेलते हो तो उन्हें ध्यान दिया, उसका जो पासा है, जो डाइस आती है, वो क्यूबिकल होती है, और क्यूबिकल होती है उसके फेसेस पे आप देखेंगे एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट बने होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए उस डाइस को इमेजिन करें मन में, ये डाइस मैं वही डाइस बना रहा हूँ, देखें ध्यान से, ये है आपका डाइस ऑफ लूडो और ये रहा इसका एक, आपकी गोटी को बाहर निकलने के लिए एक चाहिए, वो ये है ना, घर में कैद रहती ना, वन और सिक्स पे तो बाहर आती है। ऐसे खेलते हो कि कोई और नियम से खेलते हो? यही नियम है, तब ठीक है। अगर ये वन है तो ध्यान देखना, ये वन कहाँ है, ये वन है ऑन वन फेस, ये वन क्यूब के अंदर नहीं है, ये वन एक फेस पर है। अब जानना चाह रहा है, अब तुम बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, बड़ी दिक्कत हो गई। अब इस क्यूब का जब भी आप फ्लक्स निकालना चाहेंगे, क्योंकि मुझे आगे की यात्रा भी करनी है, इसलिए मैं फिर से बताऊँ, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। गॉसियन सरफेस मतलब एनक्लोजिंग सरफेस। जब तक आपका चार्ज पूरी तरह बंद नहीं कर दिया जाएगा, ढक्कन नहीं लगा दिया जाएगा उसके ऊपर, तब तक गॉस थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि गॉस थ्योरम यही है, द फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो जब हम एक एनक्लोजिंग सरफेस बना लेंगे तभी आप गॉस थ्योरम लगा पाएंगे। याद रखिएगा, ये हम आगे जो डेरिवेटिव एग्जांपल लेंगे उसमें भी काम में आएगा, तभी मैं चर्चा इतने ध्यान से कर रहा हूँ। अब सवाल बनता है, इस चार्ज के ऊपर एनक्लोजिंग कैसे करें? तो भैया ध्यान देखो, एक डाइस इधर से है, एक डाइस अपनी तरफ से इमेजनरी इधर से चिपका दो, हो जाएगा एनक्लोज। अभी ये वन हवा में आ रहा है, ये हवा बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब इस फिगर को वापस देखो, ये तुम्हारा ओरिजिनल क्यूब है, यही था जो आपका वन था, वो एक फेस पर यहाँ मौजूद था। मैंने कहा अगर इसको बंद करना है, पहला काम एनक्लोज करो। एनक्लोज करने के लिए हम एक काम करेंगे, ऐसा ही एक और डाइस, ऐसी एक और सरफेस हमने ये, और ऐसी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखे, कोई ये मत कहना ये लहरदार सरफेस वाला क्या नहीं होता, है ना, उल्टी सीधी बात मत करना। ये एक मैंने का, ये मैंने कवरिंग सरफेस बना दी, इमेजनरी है। अब अगर मैंने कवरिंग सरफेस बना दी तो बहुत ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ऐसा नजर आता है कि अब ये जो चार्ज है इस पूरी सरफेस जो रेड और ग्रीन मिला के बन रही है इसके अंदर हो गया है, और अगर अंदर हो गया है तो इस पूरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, ये आपको मालूम है, पूरी सरफेस का लिख देता हूं, इसीलिए हिंदी में लिख रहा हूं ताकि हर आदमी को देखे, पूरी सरफेस को जैसे ही आप लेंगे तो पूरी फ्लक्स, पूरी सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, अब ध्यान से देखना, इसमें से आधा फ्लक्स लाल वाले क्यूब का होगा और आधा फ्लक्स हरे वाले इमेजिनरी क्यूब का होगा। इसका मतलब क्या आपको समझ में आता है? जिसका हमें ओरिजिनल चाहिए था, इसी लाल वाले क्यूब का चाहिए था ना, इस क्यूब का हो जाएगा, चेक करें और मुझे बताएं क्या ये कहानी समझ में आती है, और शुड आई रिपीट इट वंस अगेन?
बताएं आराम से। बिल्कुल दोनों फिगर मैं आपके सामने और थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ, रिपीट करने की ज़रूरत हो तो पूछें। क्योंकि इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन है, समझ में तभी आएंगे जब अपन बहुत ध्यान से जुड़े होंगे। ठीक है, रिपीट कर दें, ऐसा रूपांशिया कहना है, बढ़िया कर देते हैं एक सेकंड में। और किसी को कोई दिक्कत? चले रूपांशी एक बार फिर से देखिएगा। पहले तो ये देखें, डाइस का एग्जांपल आपको समझ में आ गया था, ये रेड कलर की डाइस है, ये रेड कलर का उस पर वन लिखा हुआ है, ये हो गया। अब आपको ये जानना है कि इस क्यूब से, इस डाइस से कितना फ्लक्स जाएगा। ध्यान रखना, मैं फ्लक्स की कैलकुलेशन तभी कर पाऊंगा जब मैं गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। और गॉस थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपसे कहा गॉस थ्योरम तभी लगेगी जब आप कहेंगे चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोज सरफेस। अभी ध्यान से देखना, ये चार्ज इनसाइड प्लेस नहीं है, ये चार्ज बाहर आ रहा है आधा। तो एक काम करेंगे, मैंने कहा इसको एनक्लोज करने के लिए हम क्या करें, एक सिमेट्री के लिए सेम सरफेस दोबारा रखते हैं। ये लाल वाली ओरिजिनल सरफेस यही वाली है जी, मैंने कहा यही है आपकी पुरानी। हाँ सर, एक डाउट है। हाँ बोले। सर ये जो क्यूब है, अगर मतलब हम इसकी इससे बड़ी अगर क्यूब ले एज अ गॉसियन सरफेस, तब भी तो वो डॉट मतलब कवर हो जाएगी। बढ़िया, आप अगर इससे बड़ा क्यूब लेंगे तो आपने ध्यान नहीं दिया, उस सरफेस, उस क्यूब की आधी सरफेस खुली रह जाएगी। सर कैसे? अरे तो बड़ी क्यूब लेंगे तो पूरा क्यूब कवर हो जाएगा। अरे बड़ा लोग है, ध्यान देखना, अगर बड़ा लोग मतलब कैसा बड़ा क्यूब, मतलब यहाँ से ऐसा बड़ा क्यूब ले लें। अगर आप इससे बड़ा क्यूब लेंगे तो आपने एक बात ध्यान नहीं दी, अगर आप इससे बड़ा क्यूब लोगे तो इस चार्ज को इसके अंदर आना चाहिए, और जब चार्ज के अंदर आना चाहिए तो आप कितना बड़ा लेंगे, एक सवाल ये भी तो आएगा। और सबसे खास बात, जो भी आप सरफेस ले रहे हैं, जो भी आप गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, उसके लिए एक खास बात और बताता हूँ। जैसे ध्यान देखना, हमने ये सरफेस ली है, ये उस पॉइंट से पास होनी चाहिए जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, नहीं तो चार्ज यहाँ है, आप सरफेस कहीं भी ले लेंगे, फिर तो एक दिक्कत आ जाएगी, उस सरफेस कितनी बड़ी है ये कैसे पता चलेगा। इसलिए जब मैं इस चार्ज को बंद करना चाह रहा हूँ तो मेरा टेंशन क्या होगा, जैसे आप कह दें, जैसे ध्यान देखना, मैं यहाँ पर एक सर्कुलर सरफेस खींच दूँ स्फेरिकल, और आप कहेंगे अब भी आपका चार्ज क्लोज हो गया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इस स्फीयर का इस क्यूब से आप क्या रिलेशन निकाल पाओगे। तो अपना टारगेट तो इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है ना, अगर हम एक इमेजिनरी सरफेस खींच दें, आप तो क्यूब खींच रहे थे, मैं तो स्फीयर खींच दिया, अब ये तय है कि इस स्फीयर के अंदर ये चार्ज है, लेकिन इस स्फीयर के फ्लक्स का इस क्यूब से क्या लेना देना बता पाओगे। तो आपको गॉसियन सरफेस हाँ ऐसी सिलेक्ट करनी है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा था बहुत ध्यान से देखना, और इसीलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के लिए। आपको जो सरफेस सिलेक्ट करनी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, रेलिवेंट मतलब समझ में आता है, जहाँ आपका प्रश्न घूम रहा है आपकी सरफेस उसके आसपास हो, उससे रिलेट कर रही हो, नहीं तो क्या हो जाएगा जी, मैंने कहा मेरी गॉसियन सरफेस है, इसका फ्लक्स इतना है, तुम कहोगे बना रहे क्यूब का क्या होगा, मैंने कहा पता नहीं। अभी देखना ध्यान से, इसको क्लोज करने के लिए मैंने क्या कहा, जैसा ये क्यूब है ऐसा ही एक क्यूब इस साइड से लगा दें, और इसलिए मैंने उसका कलर ग्रीन कर दिया था ताकि आपको समझ में आए। अब ध्यान रखना, ये रेलिवेंस बताएगा, रेलिवेंस मतलब अब आप दोनों का रिलेशन कम से कम निकाल सकते हैं ना, इनका रिलेशन तो अपने को मालूम होना चाहिए। अभी ये क्यूब आपका, सॉरी अभी ये चार्ज आपका इन दोनों के बीच में बंद हो गया, ये भी हमारी गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस को आप देखें तो मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ, माने चलते हैं डार्क ब्लू से, ठीक है ना। अब जो टोटल गॉसियन सरफेस है वो ये हो गई, देख रहा है टोटल गॉसियन सरफेस कितनी बड़ी हो गई है, वो इतनी बड़ी हो गई है यहाँ से लेके
आप कहेंगे इसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली इसको इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इधर वाले का रिलेशन मुझे मालूम है ना। अगर मैं आर्बिट्ररी चूज़ कर लूँगा तो फिर उनका आपस में कनेक्शन कैसे निकलेगा? अब मुझे कनेक्शन क्या मिल जाएगा? मुझे दिख रहा है ये जो पूरा मैंने ब्लू कलर का क्यूब बना दिया, इस पूरे क्यूब का जो फ्लक्स है मैं लिख देता हूँ फाई टोटल, ये कन्फर्म है, ये हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, वो तो किसी भी सरफेस के लिए होता। इसको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ध्यान से देखें, यहाँ पर ये बाउंड्री थी आपकी एक रेड कलर की, और रेड कलर वाली बाउंड्री तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें जानना था इधर वाला फ्लक्स इस वाले क्यूब से कितना निकला। देखें डायरेक्ट अंदाज लग जाएगा पूरे इस क्यूब से कितना निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो नॉर्मल है, जितना नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा होगा उतना ही। तो देखें ध्यान से, आधा इधर और आधा उधर। अगर आपने यहाँ लिख दिया आधा इधर, बस आपको अपने क्यूब का आंसर मिल गया ना, इसलिए आप बताएंगे फाई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा। इसलिए मैंने गॉसियन सरफेस चूज की थी ताकि मुझे सिमेट्री मिल सके। अब देखें, अब किसी को कोई डाउट रह गया हो तो फिर से पूछें। रूपांशी क्लियर हो गया आपको? हाँ ना बताएं? यस सर। ठीक है, अभी हम एक और देखते हैं, इस बात और थोड़ा सा खतरनाक जगह जाते हैं, ध्यान से देखें। अब किसी ने पूछ दिया भाई साहब एक फेस पे बताओ कितना होगा, ये तो समझ में आ रहा है फेस पे कितना होगा, एक पे तब ये जाने। तो फेस ध्यान देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, एक पूरे क्यूब में इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले का मतलब ये वाला, ये यही वाला है, ये वाला हमने अलग से जोड़ा था अपनी सुविधा के लिए। अब अपने को अपने वाले का मिल गया है। क्या आपने ध्यान दिया है क्यूब में टोटल 6 फेस थे, 6 में से एक फेस पे तुम खुद बैठ गए हो। जैसे इस दीवार पे बोर्ड दिख रहा है, इस दीवार पे तो मैं खुद बैठा हूँ, मेरा जो फ्लक्स जाएगा बाकी 5 दीवारों पे जाएगा, इधर वाली पर, इधर वाली पर, इधर वाली पर। और अगर ऐसा है तो ध्यान देखें, अगर आपका चार्ज इस फेस पर है, अब आपके पास कितने फेस बच रहे हैं? 5 फेस बच रहे हैं। यानी अब अगर आप फेस का निकालना चाहेंगे तो ध्यान देखना, मैं एक खास बात लिखता हूँ, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे केवल 5 फेस बच रहे हैं, चेक कर लें, मुझे लगता है गिनने ही क्या जरूरत है। वैसे ही देख लो, इधर एक पे तो तुम खुद हो, 5 लेफ्ट में बचेंगे, क्या ये समझ में आता है? और इसीलिए अब अगर कोई फाई फेस कहेगा तो फाई फेस हो जाएगा जो भी टोटल था इस क्यूब का, टोटल ये था इसका 1/5। ठीक है, बाद में आप 1/5, 2 या 10 कर लेंगे, वो एक अलग बात है। क्या ये क्लियर होता है? हाँ ना, इसको देखें, जब आप एक फेस की चर्चा करेंगे तो फिर आपको इधर कितना जा रहा था आधा, और उसका भी 5 जगह डिवीज़न होगा, तो एक फेस पे कितना होगा 1/5 ऑफ दैट। मज़े से देखें, हो गया क्लियर? बढ़िया, यही आपको मैंने कहा इस टाइप से लिखा मिल जाएगा क्यू अपॉन फाइव। मैंने कुछ नहीं अलग अलग करके लिख दिए, 1/5 फिर ऐसा करके, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाए। इसको मैंने कहा एक बार फिगर बना के मज़े से समझ के ड्रॉ करके वैल्यू लिख दें, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछिएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे। अब कुछ बहुत छोटे छोटे से मामूली से क्वेश्चन, जनरली आपको क्या क्या मालूम चल गया अगर हम 1 सेकंड में लें। आपको पहली बात पता चल गई थी कल फाई बराबर EDS होता है। आज की कहानी है कि आपका गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी जगह का फ्लक्स कितना होगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको मालूम है फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पहले दूसरे टर्न से लेते चले आ रहे हैं। एक बहुत छोटा क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, ध्यान से देखें। पॉइंट चार्ज ऑफ दिस मच कूलॉम, पॉइंट चार्ज दिख रहा है सीधा सीधा, सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, क्यूब पर मौजूद है, कितनी साइड है 1 मीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स सरफेस। आपको क्यूब की सरफेस से फ्लक्स निकालना है, कुछ नहीं करना है, यही इतनी देर से कर तो रहे। पहले क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में मेरी तरफ से, फाई बराबर कितना होगा क्यू जो आपके पास है 10 माइनस 7
और एप्सिलॉन नॉट में एक बार लिख देता हूँ, आइंदा आप याद रखेंगे, 8.854 इंटू 10-12। और सबसे ख़ास बात भैया, डिवीज़न खुद करना। अब डिवीज़न के लिए हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, और यहाँ से हम सिर्फ इतना लिख देंगे वेबर। फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो जाता है मेरी तरफ से, कर दें आराम से। फिर मैं इसका सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, आपकी शीट में से क्वेश्चन है, आप आराम से उनको मैच कर सकते हैं बाद में। गॉस थ्योरम के जहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जहाँ टॉपिक बाद में असाइनमेंट में दिया है, उसी में से क्वेश्चन है। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखें, क्योंकि सिंपल है, इनमें कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज 1 कूलॉम्ब। 1 कूलॉम्ब से निकलने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैलकुलेट करें। क्या आपको ध्यान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ही हम इन शॉर्ट फ्लक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा अगर आपको ये मालूम हो फाई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इतना पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को फ्लक्स कहते हैं, ख़त्म। चार्ज दिया है कितना था, 1 कूलॉम्ब, और फिर एप्सिलॉन नॉट, और इसलिए कहा था इनटू और डिवाइड सीख लीजिएगा, उनके बिना कुछ नहीं होना, क्योंकि अब तो आपको ही करने हैं। ठीक, लिख दें मजे से, मुझे लग रहा है एक एक लाइन के दो क्वेश्चंस, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। कर दिए क्या, हाँ ना बताइएगा, कर दें तो आगे चलने को कहिएगा। क्वेश्चन आपकी शीट में मौजूद है, क्वेश्चन मत लिखने बैठ जाइएगा। बढ़िया, ओरल क्वेश्चन थे ये भी, आप ध्यान देखना, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस मच, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वाली रेडियस वाली गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, प्लेस्ड एट द सेंटर, जो सेंटर पर रखा है। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो फिर ये चार्ज जो गॉसियन सरफेस पे आ रहा है कितना है, क्वेश्चन अपने करने लायक रह ही नहीं है भैया, बहुत सड़े और सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। वही फिर फ्लक्स, अब तक चार्ज दे रहा था, फ्लक्स पूछ रहा है, वो फ्लक्स दे के चार्ज पूछ रहा है। इतनी हिंट तुम्हारे लिए बहुत है, फाइव जी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना रख दोगे फ्लक्स, -6 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू क्यू जानना चाह रहा है। और फिर वही झंझट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अब याद हो जानी चाहिए, अब नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। और लास्ट काम इनटू कर लेंगे, आपका क्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव का आंसर आएगा, और कुछ कूलॉम्ब आपके आंसर हो जाएंगे, उस झंझट में हम अब नहीं पढ़ रहे। ठीक, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते थे, जनरली इसमें मेरे करने लायक कुछ नहीं था। चलें और आगे बढ़ें, फिर एक ओरल क्वेश्चन आप बताएंगे, उसको हम ज़रूर आपसे पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर मैं गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल कर दूं तो कितना फ्लक्स पास होगा। कितना, नो चेंज आंसर है ना किसी एक का। तो अरे बेचारी लड़की बोल रही थी, इसकी आवाज़ ही मुझे नहीं आई। बढ़िया मजे से सेम कह रहे हैं, सेम कह रहे हैं अंजलि, बढ़िया सही कह रहे हैं, ये सेम होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये और ये बना के दिखाया था, और नोट भी आपको पढ़ाया था, और उसमें आपसे कहा था कि साइज़ और शेप का फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर होगा, इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम और अनचेंज्ड, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में हैं तो। ये कंप्लीट लाइन, बढ़िया, ये आपको समझ में आ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब एक छोटा सा काम करते हैं, आ जाएं, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के बजाय नीट दे रहे होते तो फिर आपका जवाब क्या होता, ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं। समझ में आ गया, वही सेम क्वेश्चन है, तभी मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं दिखाऊंगा कई जगह क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने दिखाई दिया जो क्वेश्चन था वो आपके बोर्ड पेपर से ही था। नीट 2011 का क्वेश्चन दिख रहा होगा, वही है, रेडियस इज डबल्ड देन द फ्लक्स विल रिमेन द सेम अनचेंज्ड, ऐसा कुछ तो भी यही आपसे। बढ़िया, तीसरा नंबर आंसर, सभी लोग कह रहे हैं गुड वन।
चले एक और बताएं अगली बार। जी रहा, वॉट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अगर एक कोई पॉइंट चार्ज आपका कॉर्नर पे रख दिया जाए तो फिर साइड ए वाले से फ्लक्स कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक, मैं टाइम चेक कर लूँ फिर तुम्हें से कराऊँगा। 5 मिनट बचे हैं, हो जाएगा। देखें इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ देखिएगा ध्यान से। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी आपको वाला बता रहे थे। कौन सा? साइड वाला। क्यूब है, पॉइंट चार्ज कहाँ पर है? वन ऑफ द कॉर्नर। ध्यान से इधर देखो, अभी मैं क्यूब पूरा नहीं बना रहा, क्यूब माने चल रहा है ऐसे में अंदर गया होगा, अपन बाहर बाहर से देख लो। ध्यान देखना, ये मैंने रख दिया इस क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज। बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा, क्या आपको एक क्यूब नज़र आ रहा है? ऐसा मत कहना इस क्यूब की बाकी साइड नज़र नहीं आ रही, बाकी साइड बोर्ड के पीछे गई हुई है, अपन तो सामने से देख रहे हैं ना। अब अगर आप इस चार्ज को एनक्लोज करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से देखें, आपको अगर कहीं ईंट मिल जाए, ईंट है ब्रिक्स, एक कॉर्नर पे निशान लगाइएगा और ढकने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। अगर आप चाहते हैं चार्ज आपका चारों तरफ से कवर हो जाए तो सबसे पहले इस ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक रखें, फिर इसके बगल में एक ब्रिक रखें, फिर इसके यहाँ एक रखें। देखें ध्यान से, क्या आपको ऐसा नज़र आता है ये चार्ज आपका चारों तरफ से अब एनक्लोज हो गया है, हाँ या ना? कोई झंझट इसमें हो तो बताएं। क्योंकि चार्ज कहाँ था मैंने कहा कॉर्नर पे, तो कॉर्नर को कवर करने के लिए मुझे एक ईंट इसके ऊपर रखनी पड़ेगी, एक बगल में और एक इधर। अब एक मज़ेदार बात, आपके पास केवल ये ईंटें ही नहीं होंगी, अभी चार्ज इस तरफ से खुला है, इधर भी आपको चार ईंटें रखनी पड़ेंगी। यानी टोटल क्यूब्स जो हो जाएंगे वो टोटल क्यूब हो जाएंगे आपके 8। अब ये किसको समझ में आ रहा है ये देख के बताएं। एक आपका ओरिजिनल, 3 आपको उसके बगल में रखने पड़े, और 4 कहाँ से रखने पड़ेंगे? इधर ऊपर से भी तो बंद करोगे भैया, अभी तो दिख रहा है कि ये रहा चार्ज, दिखना बंद हो जाए इसलिए 4 क्यूब 4 ईंटें इधर से भी रखोगे। टोटल 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे? 8। नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताएं, माइक अनम्यूट करके फुर्ती से बताइएगा, क्योंकि टाइम कम है तो इतने में हो जाए अपना। किसी को 8 क्यूब की कैलकुलेशन में कोई शंका तो नहीं है? नहीं है ना। मैंने कहा था एक बस कम टाइम में फुर्ती दिखाता हूँ। ये थी अपनी ओरिजिनल ईंट, इसके कोना, और मैंने कहा इसको कवर करने के लिए पहले तो चारों तरफ से इधर उधर पीछे वाले दबा दिए, अभी आगे से दिख रहा है तो दिखने के लिए 4 और ऊपर से रखो, टोटल हो गया 8। अब ध्यान देखा, 8 में से 8 में फ्लक्स कितना होगा? तो तुम्हें मालूम है 8 में फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरी एक सरफेस बन गई, तो 1 में कितना होगा? और जिसने डी आंसर लिखा है बिल्कुल सही है। किसने लिखा था ये? ये लिखा है पूजा ने और अनमोल सिंह कुशवाहा ने। बढ़िया, ये आपका हो जाएगा। अरे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये दिख रहा होगा 8ों से कुल मिला के कितना फ्लक्स जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 का आपका रह जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बड़े मज़े से। अब कोई डाउट किसी को कहीं से कहीं तक? नहीं सर। ठीक, बाकी एक आध और मैंने कहा इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके नीट 2010 का। ये ध्यान देखें, ये आपसे कह रहा है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये आपकी प्लेन ऑफ द पेपर में एक स्क्वायर शीट रखी हुई है, बहुत ध्यान से देखना, काम की चीज़ें अंडरलाइन कर देता हूँ जहाँ से अपन दिक्कत आती है। और कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम प्लेन में। और चले जाइएगा, कल का लेक्चर एक बार रेफर कीजिएगा। आप फ्लक्स कौन सा काउंट करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉर्मल? अगर सेम प्लेन में होगी
तो आपका फाइव बराबर होगा जीरो, मुझे बाकी क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ा, बिना पढ़े ही मेरा आंसर हो गया जीरो। बढ़िया, सभी का आंसर जीरो है, वेल डन, ये क्लियर हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब अगले टर्न पर जो है, आज वेडनेसडे, थर्सडे आपके पास होगा एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, है ना, और उसके अगले टर्न पर फिर हम फ्लक्स की चर्चा और उसके एप्लीकेशंस कवर अप करेंगे फ्राइडे और सैटरडे में। लगभग लगभग आपका ये चैप्टर एंड पर आ जाएगा अगले एक से दो टर्न में, फिर कुछ और क्वेश्चंस मज़ेदार से, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, अनमोल तुम्हारे डाउट अलग से बताऊंगा मैं भी, है ना।